हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ले। और यहाँ पे मैंने लिया है गाय का दूध, ये 1 लीटर है। और इसे फाड़ने के लिए मैं विनेगर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप चाहे तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये मेजरिंग कप है, मैंने 4 टेबलस्पून विनेगर लिया है और सेम उतना ही पानी लिया है। और इसे मैं गैस को पहले दूध गर्म कर चुकी हूँ और मैंने 5 से 10 मिनट ठंडा किया। उसके बाद मैंने विनेगर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मैं दूध को फाड़ रही हूँ। आप कभी भी ध्यान रखें, एक साथ कभी भी नींबू या विनेगर आप एक साथ ना डालें, नहीं तो वो छेना अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डाल के उसको मैं हिला के अच्छे से मैं इसे छेने को फाड़ रही हूँ। और मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊंगी कि ये छेना कैसा फटा है और कैसा दिखता है। और काफ़ी सॉफ्ट छेना, ऐसे आप प्रोसेस से फाड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा छेना बनता है। तो इसे अच्छे से मिलाना है, जितना भी दूध है वो फट जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दूध फट चुका है और ये देखिए कितना अच्छा फटा है, पानी और छेना सेपरेट हो गए हैं। तो इसे अभी मैं कपड़े से स्ट्रेन कर लूँगी, एक टोप रखूँगी उसमें स्ट्रेनर रखूँगी और उस पर मैं कॉटन का कपड़ा रख के इसे अच्छे से छानूँगी। तो आप भी इसी प्रोसेस से करेंगे तो आपका रसगुल्ला बहुत ही बेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा रख लिया है और ये छेना मैंने छान लिया है। अभी मैं इसे ठंडे पानी से वॉश करूँगी। कभी भी ध्यान रखें, जब छेना गर्म है तो आपको ठंडा पानी यूज़ करना है कि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ पे मैं पानी से इसे वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसे मैं 2-3 पानी से वॉश करूँगी कि विनेगर का स्मेल ना आए। अगर विनेगर और नींबू का स्मेल रहेगा तो वो आपका रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा, खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से वॉश करना है। और इसे मैं 1.5 घंटे के लिए मैं इसे बांध के अच्छे से रख दूँगी कि सारा पानी इसका निकल जाए। तो इसके बाद मैं इसे एक थाली में लेके इसे अच्छे से मसल के मैं इसे सॉफ्ट बनाऊंगी। कभी भी आप छेना बनाए तो उससे बहुत अच्छे से मसले, नहीं तो आप मिक्सी जार में भी इसे ये प्रोसेस को कर सकते हैं, बट मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है करने, तो मैं इसे हाथ से ही कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसे मसल के अच्छे से इसे एक डोग की तरह मैं कर रही हूँ कि जो हम गोला बनाएंगे वो अच्छे से रसगुल्ले बनेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो करिए नहीं तो मत करिए। यहाँ मैंने 2 कलर के रसगुल्ले मैंने बना ली है। और 1 लीटर दूध में आप 28 रसगुल्ले बना सकते हैं, ये मैंने मीडियम साइज़ रखा है, आप अपने हिसाब से साइज चूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस, ये यहाँ का प्रोसेस हो गया। आप चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, आप कुकर में भी कर सकते हैं। पतीले में मैंने मेजरिंग कप से 4 कप पानी डाला है और सेम कप से मैंने 1.5 कप शुगर डाला है। ये रेशो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अगर रेशो आपका डिफरेंट होगा तो शायद सौगी सौगी आपका रसगुल्ला हो जाएगा। और इसमें 7 to 8 drops मैंने रोज़ एसेंस डाला है, आप वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया है। और इसमें देखिए अभी झाग आने लगा है, अगर ऊपर का झाग आपका ब्लैक है तो उसे आप प्लीज़ निकाल दें, नहीं तो वो पूरा रसगुल्ले में ये हो जाएगा, चिपक जाएगा और रसगुल्ला काला दिखने लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैं बॉइल हो गया और उसमें मैंने रसगुल्ले ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आप चाशनी में भी कलर डाल सकते हैं अगर रसगुल्लों को कलर लाना है तो, मैंने तो उसमें डिवाइड करके डाला है। तो यहाँ पे देखिए डबल साइज़ का हो गया ये। और इसे 10 से 15 मिनट आपको बिना हिलाए बिना चलाए आपको इसको पकाना है। और इसका कुकिंग प्रोसेस आपको जानना है। तो ये जब पूरा फटने लगे, पूरा फट जाए और फट के ऊपर आ जाए तो आप समझिए आपका रसगुल्ला हो गया है। और ये देखिए इसे मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ठंडा करने के लिए। तो ये मेरा रसगुल्ला रेडी है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगी। और ये प्रोसेस से आप 25 से 30 रसगुल्ले बना सकते हैं 1 लीटर दूध में। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।